गाइज हम लोग स्टिंग ले लिए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट पार्क में। फाइनली हम लोग लोहिया पार्क में जो कि पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो एंट्री गेट है ये जमपुर का पार्क। और अभी हम लोग एंट्री करेंगे इधर से। बड़े भैया अपने जो कि सामा भाई हमारे भी गए हुए पार्किंग में गाड़ी लगाने। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा गाइस हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं, अभी हम लोग जाएंगे टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कहाँ से हो भाई? अंदर घूम चुके। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा गाइस। चलो हम भी चलते हैं, हम लोग भी घूमते हैं अंदर। तो मतलब इतनी भीड़ है यार, टिकट भी नहीं ले पाते हम लोग। वहाँ पे ज़्यादा यहाँ थी भाई, किले से ज़्यादा थी सच में। जैसे गाइस टिकट ले रहे हैं हमारे मॉडल भाई, तो कितने का? 5 रुपये का 1, 10 रुपये का 2। 5 का 1, 10 रुपये का 2। भाई ये पार्क की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो? ये है पोल्ट्री चौराहा लोहिया पार्क। पोल्ट्री चौराहा लोहिया पार्क, इसी भवन इसको पहले कहते थे लोहिया पार्क। अच्छा, तो चलिए गाइस हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट अंदर। तो जैसा कि भीड़ बहुत है, तो अभी धीरे धीरे कदमों से अंदर जाते हुए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। जैसा कि गाइस आईफोन मेरा डिस्चार्ज हो गया, और ये मोबाइल से है, क्लियरिटी में अच्छी लाने की कोशिश करूँगा, और अगर कुछ गलती हो गई वीडियो में तो माफ़ करना गाइस। बस इंजॉय करने का अपना मूड है, और इंजॉय दिखाना है आपको, तो मतलब गलती हो गई माफ़ करना यार। लोहिया पार्क में मॉडल पहले का है, नहीं लेके आए भाई हमने तुम। हेलो, अरे हरियाली के साथ भी कुछ हो रहा है। प्रतापगढ़ से यहाँ पे आए भाई, क्या बात है, हरियाली देखने के लिए। सही है, समझ रहे हो आप। तो ये थे हमारे भाई लोग, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा गाइस। मतलब कमेडी और व्लॉगिंग के लिए सही है, बहुत अच्छा मना करो। तो गाइज फाइनली इतने सारे फैंस मिल गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हमारे फुरकान भाई के पास लेके चलते हैं आपको, और वहाँ पे दिखाते हैं, उन लोग से मिलाते हैं। क्या बोलते हैं फुरकान भाई, शायरी हो जाए क्या? बिल्कुल। शेर जो है मैं कह देता हूँ आपको, अर्ज किया है। इतना आसान हो के जीना भी कितना मुश्किल है ज़िंदगी में, यूँ ही कहते हैं दूर से सब कितनी राहत है आशिकी में, तुम पे मरने पे याद आया कितनी लज्जत है कुछ खुशी में। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। लोहिया पार्क, क्या मॉडल है? लोहिया पार्क ना गाइस, ये लोहिया पार्क देख सकते हो। लोहिया पार्क का नजारा जैसा कि बहुत हार्ड है, व्यू देख लो गाइस। व्यू मॉडल इस बार भी लेके आना चाहिए तुम्हें, घर पे भूल गए। नाइस टू मीट यू अगेन ब्रो। All right.
किले वाले फिर से मिल गए गाइस, मतलब फैंसी थे क्या करे भाई। चिकन वीडियो किले वाले थी उसमें मिले थे, अभी इस पार्क में भी मिल गए। किले वाले में तो और मज़ा आई होगी गाइस, किले पे आप किले वाली वीडियो पे जाइए, वहाँ पे देखिए, मतलब एक बहुत हार्ड हार्ड सीन वहाँ का है, बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, मतलब बहुत मज़ा आएगी गाइस। वहाँ पे मैंने कुछ स्टैंड भी किया था और मेरे फुरकान भाई वो भी कुछ शायरी किए थे, मतलब ना वो वाला और ही अच्छा मोमेंट था ना, उसमें शायर भी है, बंदा है, एक शायर भी है, रैपर भी है, और स्टैंड जो मैं जंप वंप किया था इतनी लंबी ऊंचाई से, वो भी है। सब कुछ हमें देखने को मिलेगा गाइस, इसको जरूर चेकआउट करें। एक बार हवा चल जाती मजा आती ना, वहाँ पे फ्लैग देखो, हवा चल जाती तो फ्लैग हवा में रहता, फ्लैग में हवा में रहता तो गाइस बहुत ही मजा आता। तो एक बच्चे का मोबाइल गिर गया, ओ लड़ो मत यार, लड़ो मत यार, लड़ो मत, गद्दारी कर बे। भाई भाई बुला रहे हैं ये लोग, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। जैसा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे मिले और आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। तो भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर से कहाँ से हो आप? अभी हम नए हैदराबाद से। हैदराबाद, हैदराबाद से। थैंक यू ब्रो, थैंक्स ब्रो, नाइस टू मीट यू। ओके ब्रो, सी यू। फिर आपको यहाँ पे खड़े होके आपको शादी करना है, तैयार हो? ओके ओके, बच्चे ही पे ही खड़े होके आपको डेट करना है, वो भी फुल वाइफ? फुल वाइफ, ठीक है। किसी के दर्द के जैसे, किसी फरियाद के जैसे, वाह 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 वाह, खुदा की नेक बंदों पे किसी इमदाद के जैसे, वाह वाह। तुम्हारे ख्वाब आते हैं बता तू क्यों नहीं आता, कभी तुम भी चले आओ तुम्हारी याद के। वाह 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 गाइस, बंदे की सारी यार दिल छू रही है एकदम, मतलब क्या होता है, मतलब ना शर्माता है एक भाई को फॉलो करो, लाइक करो। फुरकान उमर राइटर इंस्टा। फुरकान भाई आपके ऊपर एक डेर है, आपको वहाँ जाना है, वहाँ देखो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक शायरी बोलना है, पब्लिक प्लेस, चलो। बस यही पिए बस, या बोलू थोड़ा तेज में, वॉइस में एकदम तेज किया है, थोड़ा तेज और तेज। किसी पे उसने यकीन करके मेरी बातों को झूठ माना, जो भी गुजरी है गम में उसके तमाम रातों को झूठ माना, खता नहीं है कोई किसी की, ये मुकद्दर का खेल है सब, मैंने जिसके भी ख्वाब देखे उसने आँखों को झूठ माना। भाई फुरकान भाई शुक्रिया भाई। तो फाइनली हमारे फुरकान भाई डेयर कंप्लीट किया, बारी आती है मॉडल भाई की, मॉडल भाई आपको डेयर करना है, तो वीडियो मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मॉडल भाई डेयर करेंगे, करना पड़ेगा भाई तुमको। अरे यही अच्छा काम चाहे जाऊँगा तो नाम मुझे फर्क नहीं पड़ता, कौन कौन मुझसे चलता, चलने वाले से ज्यादा दोस्त मुझे प्यार है, एक दो नहीं वो भी बहुत सारे, ये समझ। बाप बेटी का प्यार है
जो कि अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, मतलब बहुत ही वंडरफुल मोमेंट है कह सकते हो। भाई 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 थोड़ा साइड। फुरकान भाई, ये हमारा अजमल भाई जो कि फोटो शूट हो रहा है, देख सकते हो भाई लुइया पार्क गाइस, बहुत ही हार्ड नज़ारा है। मॉडल भाई देर करोगे? देर करना है, फुल वॉइस में, फुल वॉइस में। और वक्त भी थम जाए जब फारूक भाई करते हैं स्माइल। ओ भाई क्या बात है भाई, थैंक यू। रामा भाई आपके लिए एक डेयर है? नहीं भाई नहीं करना है यार, हम तो बोल दिए हम करना है। जी जी बोलिए। आप पब्लिक प्लेस में एक रेप करना है? ये समझ से इस बार ये फसाना है, सबको सुनाना है। सुन सत्रह के नाके से अलग इलाके से पदार्थी भी सन 1999 19 दिसंबर एक छोटा सा शहर यू बात जौनपुर उसमें ग्राम लखमापुर। ओ भाई 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 जाऊँगा जरूर। शुरू किया एक सफर 22 साल की उम्र से, मैं ढूंढता हूँ हुनर मुझे बन रहा है, पर कुछ लोग मुझसे कहते जाते हो दर अच्छे काम किया सर, पर मेरे लिए तो यही अच्छा काम, चाहे जाऊँ बदनाम मुझे फर्क तो नहीं पड़ता। कौन कौन भाई भाई गाइस देख रहे हो मुझे प्यार है, एक दो नहीं वो भी बहुत सारे हैं। समझते मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलो। आपका चैनल अच्छा है, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आया भाई, मजा आया कि नहीं? देर करके भी मजा आया और यहाँ पे घूम के भी मजा आया, ब्लॉग शूट करके भी मजा आया। मतलब आई होप कि आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। गाइस क्लियरिटी थोड़ा कम दिखेगी क्योंकि आईफोन डिस्चार्ज हो गया था, तो माफ करना उसके लिए। हमने सोचा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा मजा आया, बहुत मजा आया भाई। समझने की ये चीज़ें, ये जो हमने इंजॉय किया है वो हमारे रग रग में समा गई है और इंशाल्लाह ये यादगार रहेगा। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए गाइस मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।